दोनों का आईडी कार्ड है ना बेफरम, दोनों अप्लाइड फॉर है। तो मुझसे उन्होंने पूछा है कि अब इनका निकाह कैसे कराएं। मौलवी जो है ना निकाह पढ़ाने वालों के भाग। कितने पैसे हैं? ओ चलो बस ले ले लाइन करो। ये सेज बन रही है, बन रही है अभी। सब उम्मीद है आप सब मेरे बहन भाई ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे विवाह जिस बच्चे की शादी कर रहे थे ना, आज उधर मैं आ चुकी हूँ और अभी जो है ना मैं आप लोगों को जो बियादरी वगैरह है वो भी दिखाऊंगी और जो लोगों ने सेटअप किया वो भी दिखाऊंगी। रात को भी मैं आई थी, थोड़ी देर के लिए आई थी बस, क्योंकि रोटी के इनको कुछ देना था तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह रोटी भी बना लेंगे। अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं इन लोगों ने क्या पकाया है और बाकी आपके साथ आस्ता आस्ता। अस्सलाम वालेकुम, और किस तरह तकसीम किया है, ठीक है ना, वो भी चलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं आपको, हम आपको इस पूरी शादी का आज ये जो फकीर लोग होते हैं, फकीर लोगों की शादी कैसे होती, मुकम्मल शादी कहेंगे। अभी काफ़ी सारे चीज़ें आएंगी सामने, पूरी रस्में भी इसी वीडियो में सब कुछ हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और भाभी भी आई थी और वो दुल्हन के पास बैठी है, मैंने कहा आप इधर बैठो मैं वीडियो बना लूँ। हाँ चलो ठीक है, फिर दुल्हन को तैयार करेंगे वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अभी अंदर करते हैं। ओहो ये देखिए जी, ये रोटी है इन लोगों ने, ये चिकन बनाया है, खत्म हो चुका है। ये कमरा इन्होंने कहीं से लिया है, ये पड़ी हुई है देख, वैसे की वैसे ये देखें, चावल भी पड़े, चावल पड़े हुए हैं। इनकी इन्होंने तो खाना वगैरह तकसीम कर दिया, तकसीम कर दिया माशाल्लाह से। अभी चलते ब्यादरी भी दिखाते हैं। और आज की जो वीडियो है ना वो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होगी। आप लोगों को जो दूल्हे का कमरा है वो भी दिखे, आप लोगों को दिखाऊंगी। दुल्हन का दुल्हन की तैयारी भी कराएंगे, दुल्हन की तैयारी भी कराएंगे। अभी बारात दुल्हन का कमरा भी दिखाती हूँ, पहले दुल्हन की तैयारी करा लो। मैं नहीं नहीं, पहले दूल्हे का जो है ना बाहर का विजिट कराएंगे अगली वीडियो में। नहीं नहीं, इस तरह ना करो, पहले इधर से शुरू करते हैं बाद में उधर चलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दुल्हन की तैयारी से और इनकी बरादरी वगैरह वो दिखाते हैं, उसके बाद जो ना बरात आएगी नकाह वगैरह होगा उसके बाद करो। चले दो वीडियो इंशाल्लाह, चलते आधी में दुल्हन का कमरा गिर गया है, वो छप्पर था वो उधर पड़ा है। वो दुल्हन की अम्मा है, वो जिनकी बेटी की शादी है, ये दुल्हन की अम्मा है। और लाख लाख शुक्र है कि मेरी दीदा फर्ज अदा करवे ने। अच्छा अल्लाह से उन्होंने वैसे दुआ करो जी ना कराए। ये प्यारे भी बस दावत का इंतज़ाम भी एक सिस्टर है उन्होंने कराया था, और ये जो खुशी है खुशी इनके पास मैं आपको बताऊं कुछ नहीं था, तो ज़्यादा सीरियस नहीं होना क्योंकि खुशी का टाइम है। तो इनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी कि एक बेटी का माँ बाप अगर फ़र्ज उठाता है तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है ये, लेकिन इनके बेचारे के पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो चलते हैं, इनको भी मैं दिखा रही हूं, इनके तो घर ही नहीं है, ये तो कोई घर नहीं है इनके, ये पूरी बस्ती है इधर। अभी मैं दूल्हे का कमरा आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग देख के हैरान हो जाओगे कि सच में किस तरह से ये लोग रहते हैं। और दिल दुल्हन का कमरा भी दिखाएंगे, अंदर आप दुल्हन को तैयार करते हैं। बारात को कितनी देर है? अच्छा चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, टाइम थी पाँच, हम मैंने खुद कहा था 5 बजे की, पूरा दिन ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर गर्मी बहुत ही दिन के वक्त बहुत ही, तुसा गेना गेना हो शुरू कराओ, तुसा शुरू कराओ, हाँ शुरू कराओ ना, पर गेना हो विदा करो बस, जुलो ठीक है, जुलो 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 जुलो। मैं सबसे पहले दुल्हन को तैयार कर लो, मेकअप वाली अल्लाह ताला मुझे इसका जरूर देगा एक अच्छा और बहुत बड़ा नेकी का काम करता है। तो जो कराने वाले हैं ना मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरी सिस्टर है, अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे, तेरे खुशियाँ दे, कामयाबी दे। तो ये एक बेटी का फर्ज जो अदा होता है ना ये बहुत बड़ा काम होता है, अल्लाह ताला इस बेटी के नसीब अच्छे करे, बस यही दुआ है। चले चले चलो, अभी जो है ना ये कमरा हम लोगों ने किसी से लिया है, हमने लिया है, हाँ हमने दुल्हन को तैयार करना था, मैंने कहा चल थोड़ी देर के लिए आप दे दे, और अभी मैं अंदर जाऊंगी दुल्हन को तैयार। ये इनका ये छप्पर था, ये गिर गया, ये गिर गया उनका छप्पर, और दुल्हन को तैयार जब हो जाएगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि बारात ढोल बज रहा है। तो बस दुआ है त्यार आप जाकर करा लेना, फिर मैं त्यार करा लूं, आप करा लें फिर आगे चलते हैं। ओके।
चलें जी माशाल्लाह दुल्हन तैयार हो रही है और अभी आंखों के ऊपर ना लाइनर वगैरह जो होता है मस्कारा वगैरह वो लगा रही हैं, तो माशाल्लाह दुल्हन तैयार हो जाएगी तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ये देखें ये सारा मेकअप का सामान और चूड़ियाँ वगैरह भी पहनाएंगे। और ये है दुल्हन की जूती और जो ये सामान मैंने दिया है ना ये ऐसे पड़ा हुआ है ये सारा सामान, तो ऐसा ऐसा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह दुल्हन का मेकअप जो है ना बस कंप्लीट हो चुका है, अभी जो है ना थोड़ा सा रह गया है, तो ये चूड़ियाँ भी पहनाए ना एक अखबार, तो माशाल्लाह अभी ये देखें चूड़ियाँ पहना रहे हैं दुल्हन को, बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला बच्ची के नसीब अच्छे करें। माशाल्लाह चूड़ियाँ भी पहन ली हैं दुल्हन ने और अंगूठी पहना रही हैं। चीज का मशवरा ले रही थी मैं, सुन रही थी, अब फिर बाद में इतने हंसे क्या हुआ था? प्यारे के पास जो घोट है जिसको दूल्हा बोलते हैं उसको, यानी कि यहाँ पर ये फकीर लोग जो है ना घोट बोलते हैं, वैसे भी हम भी घोट बोलते हैं, और जो दुल्हन है कुआर उसको कुआर बोलते हैं, तो ना दोनों का आईटी कार्ड है ना बेफारम, दोनों अप्लाइड फार है, तो मुझसे उन्होंने पूछा है कि अब इनका निकाह कैसे कराएं, मौलवी जो है ना निकाह पढ़ाने वाला गए भाग, ठीक है ना, मैं उसको गया रास्ते से वापस लेकर आया, मैंने कहा कि इनका ना निकाह शरीफ पहनाओ, ठीक है ना, दोनों यानी कि अपना एज इनकी दोनों को मैंने 20 साल से दिया, इन्होंने बनवाया नहीं है, आप इनका शरी निकाह पढ़ो, अभी शरी निकाह के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। ये इनका सारा सामान आ चुका है, पीछे से भी हमारे वो बारात आ रही है, क्या बात है, बारात आएगी उधर से, ये तंबू है उसके पीछे झोपड़ी है, मैं दिखाता हूँ आपको प्यारी बात, तो इधर से आएंगे और पैदल ही लेकर चले जाएंगे, पहले अब ये गए मस्जिद में, तो उधर से इन्होंने पहले सलामी होती है सलामी की जो है ना, आसिया जो है ना वीडियो बना रही है उनकी, वो देखो वो रोशन भी आए हुए उनकी डांस की वीडियो बना अब्बा जी मैं डांस कर लूँ इनके साथ, डांस बड़े मजे की कर रहे हैं, मैं भी कर लूँ रिवाज भी है, दस आदमी घड़ी घुड़ा रही है, साथ लेकर आ रहे हैं, साथ लेकर आ रहे हैं, इधर ना इनको नहीं करो कि इनकी डांस थोड़ी सी देखा तुम सही है,
मच गई है आसिया। हाँ। भगदड़ मच गई है। वो पैसे फेंक रहे हैं। अब इनके पास झुमी का रिवाज भी है, ये झुमी के लिए रोक दे। झुमी देखते क्या मिलता है। झुमी क्या मिलता है देखते। झुमी में क्या मिलता है देखते हैं क्या मिलता है। ये झुमी की रस्म और ये देखते हैं क्या मिलता है। आगे कितने पैसे हैं कितने पैसे हैं कितने पैसे हैं। ओ चलो बस ले ले लांग करो मुझे पसीना आ रहा है। 4,000 मुकाओ गाल दादे हजार एक 10 वाला नंबर ये 10 और 1,000 10,000। चलो आप बनाए मुझे। वहाँ पर रश ज्यादा हो गया तो गर्मी भी बहुत ज्यादा थी प्यारी वाला तो घर आई हूँ मेरा हाल क्या हो गया तो सेब बना रहे हैं अभी मैं अंदर कमरे में चल के देखती हूँ कैसे बन रही है दिखाते आए भैया चले। हो ये है जी दुल्हन का कमरा दुल्हन लग रही है ये सेज बन रही है बन रही है अभी तो बना रहे हैं। क्या ले भाई जान ठीक हो खुश हो ठीक। ये क्या कर रहे हो। हम धोले के सेज बना रहे हैं। यो कमरा है यो कमरा अच्छा तो फिर ये कमरा है उनका यानी के दूल्हे का तो पीछे ये हवा वाली जगह रखी हुई है उन्होंने। अच्छा बंद कर दो सो। अच्छा अच्छा इतने यानी के एक सेज रहे सो चार पैर दूर से टेस्ट इतना ही में सही है सही है सही है। आसिया अम्मा को तो ये शादी की प्यारे विवाह आज उधर से अभी बारात वापस आ जाएगी निकाह अभी कर रहे थे निकाह के फौरन बाद ये दिन गुरूम होने वाला है तो उस दुल्हन को लेकर यहीं पर आते हैं। तो ये हमें बताना है कि आप जो हमारे आप लोगों को कैसी लगी हमारी वीडियो और दुल्हे का कमरा दुल्हन की जगह दुल्हे का कैसी लगी। और सबसे यही रिक्वेस्ट है जितने भी मेरे बहन भाई देखने वाले लास्ट में कह रही हूँ कि इन लोगों को सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे भी शादी होने वाली है आगे दो बच्चों की शादी होने वाली है यहाँ पर वो मैं कराऊंगी लेकिन फिलहाल इन लोगों को ये जो शादी कराई है जिस सिस्टर ने कराई है अल्लाह ताला उसका अल्लाह ताला उसको बहुत ज्यादा खुशियां दे पहले भी बहुत ज्यादा साथ देती है अल्हम्दुलिल्लाह से क्योंकि अभी दहेज का सामान वहीं पड़ा है तो वो यहीं पर आ जाएगा संदूक है या चार पहिए हैं या जो भी सामान है तो इंशाल्लाह फिर बाद में हम आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर जब उस यहाँ पर सेटिंग कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर विज़िट करेंगे। तो हाँ अपनी ज़िंदगी में अपने फैमिली में अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे आबाद रखे सेहत और लंबी ज़िंदगी दे हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।